बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे काश्तकार भाइयों, मेरे सारे दोस्तों। तो मेरी आज की वीडियो पर जोर फरमाइश तो पंजाबी जबान के होएगी, क्योंकि मेरे चंद काश्तकार भाई, चंद दोस्त फरमाइश कर रहे थे कि मेरी अगली वीडियोज़ या चंद मौजूआते मैं पंजाबी दे गल करा। तो वीडियो शुरू करने तो पहले मेरे जिस दोस्तों ने हले तक मेरे चैनल में सबसक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन सबसक्राइब कर देन, ताकि साड़ी हौसला अफजाई भी होंगी रहे, तो अगली आने वाली वीडियो साढ़े तक मौसूल होंगे रहन। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जड़ी बूटियां किसी भी फसल के मौजूद होने पैदावार बढ़ोतरी मुतासर कर दें, उस फसल के रेंदे हुए हवा, खुराक, पानी, रोशनी का बराबर का हिस्सा बन दें, जैसे दूसरी फसल की पैदावार मुतासर कर दें। तो अज की वीडियो के आप दान के मुख्तलिफ जड़ी बूटियों की गल करांगे कि कि जड़ी बूटियां पाई जाते हैं। इन्होंने मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के डीला, घोड़ा, गा, लंब, इटसी, डिडन, बूई बूई, यह मुख्तलिफ जड़ी बूटियां दान की फसल पाई जाती हैं। तो इन्होंने जड़ी बूटियों आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, इन्होंने वास्ते कि हल हो सकता है, जहर इस्तेमाल करते किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, जहर तो हट के इन्हों का की कंट्रोल हो सकता है। तो सब तो पहले अगर गल करिए कि जहर तो हट के किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, तो अपने काश्तकार भाइयों को इलम होएगा कि अगर आप 30 से 40 दिन तक अगर अपने खेत के पानी बरकरार रखिए, पानी खुश्क ना हो दईए, तो 1.5 से 2 इंच तक जी सतह है वो बुलंद रखिए, तो अपनी जड़ी बूटियों का उगा बहुत ही कम होंगे है। तो इस तरह अपने काश्तकार अगर पहले महीने के पानी बरकरार रखन, खुश्क ना हो देन, जड़ी बूटियों का उगा बहुत कम होएगा, तो जड़ी बूटियों पर काबू पा लेंगे। इस तरह अगर कुछ काश्तकार अपने पानी बरकरार नहीं रख सकते, पानी का खर्चा नहीं उठा सकते, तो उस अलावा की तरीकाकार हो सकता है, अगर जहर की तरफ आइए तो जहर में इस्तेमाल करते दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि उगाओ तो पहले कि जहर का इस्तेमाल करना है, तो उगाओ तो बाद कि जहर का इस्तेमाल करना है। तो सब तो पहले गल कर लेने के उगाओ तो पहले कि जहर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जहर का इंतखाब करते हुए इन जड़ी बूटों का हल कर सकते हैं। इस तरीकाकार धान की काश्त के 1 से 2 दिन बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके आप सब तो पहले गल करिए प्रीटिला कलोर की, 400 ml फी एकड़ के हिसाब से असं ये मकदार इस्तेमाल करनी है। तो यह प्रोडक्ट आपको सजंटा के रिफर के नाम तो मिल जाएगा, तुम उन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। इस अलावा कि कंपनी का आप जहर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस अलावा असं थोक्सी सल्फुरान ट्राइफेनोन का मिक्सचर 75 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनकी मकदार बहुत कम होंगी है। ये 10 से 15 किलोग्राम रेत मिक्स करके मिला के खड़े पानी के छटा कर देनी है। तो यह जहर आपको बायर के कॉन्सलैक्टिव नाम तो मिल जाएगा, उन्होंने प्रोडक्ट तुम इस्तेमाल कर सकते हो। इस जहर आपको डेले समय तमाम जड़ी बूटियों का हल मिलेगा, तमाम जड़ी बूटियों का कंट्रोल मिलेगा। इस अलावा कि जहर इस्तेमाल किए जा सकते हो, वह अपने को 800 सल्फुरान है, इनकी तकरीबन 60 से 80 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से मकदार इस्तेमाल करनी है। तो यह भी यही तरीकाकार है कि 10 से 15 किलो रेत मिक्स करके खड़े पानी के छटा कर देनी है। तो यह जहर आपको जाफर कंपनी के क्लियोरान के नाम तो मिलेगा, तुम उन्होंने यह प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। यदि वजह से भी आपको डेले समय तमाम जड़ी बूटों का जोड़ा हल मिलेगा। इस अलावा अपने चंद काश्तकार कहते हैं कि साढ़े खेत के डेले का मसला नहीं है, डेले तो अलावा दूसरी जड़ी बूटियां ने, तो वो इस तरह कर सकते हैं कि किसी भी अच्छी कंपनी का ब्यूटा कलोर जहर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मकदार आप 800 ml फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। इसका इस्तेमाल का तरीकाकार यह है कि बोतल शेकर लैके 5-6 फेर आप खड़े पानी के छिड़काव कर दीए। यह प्रोडक्ट आप मुख्तलिफ कंपनियों के नाम तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप गल करिए कि FMC का जो प्रोडक्ट है मचैटी, वो तुम इस्तेमाल कर सकते हो। यो मुख्तलिफ जहर ने कि जिन्होंने इस्तेमाल करते हुए आप जड़ी बूटियों के उगाव कम कर सकते हैं, जड़ी बूटियों के उगाव रोक सकते हैं। उस तो बाद गल कर लीए कि किसी वजूहत की वजह तो साढ़े खेत के जड़ी बूटियां उग आई हैं, या पानी असं बरकरार नहीं रख सके, या पानी खुश्क होने की वजह तो जड़ी बूटियां उग आई हैं, वो वास्ते साडा की तरीकाकार है, वो वास्ते कि जहर इस्तेमाल कर सकते हैं, जहर का इंतखाब करते हुए इन्होंने जड़ी बूटियों खत्म कर सकते हैं। तो इस हवाले सब तो पहली जहर जी असं इस्तेमाल कर सकते हैं बैरीबैक सोडियम 60 से 80 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से मकदार इस्तेमाल करनी है, या किसी भी अच्छी कंपनी का एक पैक फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जहर 80 से 100 लीटर फी एकड़ के हिसाब से पानी मिक्स करके स्प्रे करना है। तो स्प्रे करते इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि साड़ा खेत तरवतर हालत के होए, तो उस बाद इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वास्ते आप शक्कर बोतल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो अगर गल कर लिए कि यह प्रोडक्ट कि मुख्तलिफ कंपनी के नाम तो मिलेगा, यह सब तो पहले गल कर लिए सनक्रॉप की गल करिए, तो सनक्रॉप का ट्यून के नाम तो मिलेगा, अली अकबर का एक्सपोजर नाम तो मिलेगा, फोरो ब्रदर का जैबरा नाम तो मिलेगा। यह मुख्तलिफ प्रोडक्ट मुख्तलिफ कंपनी के इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो जड़ी बूटियों कंट्रोल करते हैं। इस अलावा होर भी जहर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जेडे उगाओ तो बाद जड़ी बूटियों का कंट्रोल करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। उनके अपने को मुख्तलिफ जहर ने, मुख्तलिफ प्रोडक्ट ने, जिस तरह बिस्पैरीबैक सोडियम तो बेंजो सल्फुरान का मिक्सर इस्तेमाल करिए, मकदार कितनी लेनी है कि 100 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से यदि मकदार इस्तेमाल करने, लेकिन तुम किसी भी अच्छी कंपनी का एक पैक फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो।
इस जहर का मशहूर प्रोडक्ट विंस्टा तुम मुख्तलिफ कंपनियों को मिल जाएगा, सजेंटा, FMC, एंग्रो, इन्हों को ए विंस्टा प्रोडक्ट लैके इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस्तेमाल करते हो अपनी जड़ी बूटियों का मुकम्मल कंट्रोल कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो इन्होंने जहर के इस्तेमाल तो बाद अगले दिन खेत में पानी को खड़ा रखना है, पानी खुश्क नहीं होने देना, ताकि इन्होंने जहर का उन जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने का असर ज़्यादा तो ज़्यादा मिले। तो दूसरा साड़ी फसल का झाड़ भी अच्छा बन सके, क्योंकि सानू अच्छी पैदावार भी मिले। ऐसे मुख्तलिफ जड़ी बूटियां तो इन्होंने जड़ी बूटियों को उगाओ तो पहले तो उगाओ तो बाद किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करना साड़ी आज की वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो इन्हें लाइक भी कर दे, तो दूसरे काश्तकार तक भी शेयर कर दे, ताकि उन्होंने भी फायदा हो सके। तो इस नाल सानू इजाजत दो, अल्लाह हाफिज़।